guys and welcome back to the next video of economics on your tips. आज हमारी वीडियो नंबर 72 और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड लास्ट चैप्टर पर आ गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पूरी पढ़ ली, लास्ट दो चैप्टर बचे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। मानो या ना मानो, हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं सबके माइंड में एक कीड़ा जरूर आता है, यार ये डॉलर और रुपीज कैसे चलते हैं, या ये पाउंड और रुपीज कैसे चलते हैं, ये दिनार और रुपीज कैसे चलते हैं, इनकी एक्सचेंज रेट कैसे बनती है, कैसे ये इतना है कि $1 = 63 रुपीज, क्यों है, कब कम होता है, कब बढ़ता है, ये सबके माइंड में चलता रहता है। हर बंदे के माइंड में थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी तो होती है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस चैप्टर में हम उस चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उस क्यूरियोसिटी को कम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देख, फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहले इसका मतलब समझते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? देख, इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री, एक ऐसी रेट जिससे एक कंट्री की करेंसी इज एक्सचेंज करा जाता है विथ करेंसी ऑफ अदर कंट्री, विथ करेंसी ऑफ अदर कंट्री, यानी एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से बदला जाता है। और देखें तो इन अदर वर्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी। ये क्या बताता है? कितनी यूनिट चाहिए एक करेंसी की ताकि आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विथ वन यूनिट ऑफ अदर करेंसी, ताकि मैं दूसरी करेंसी की एक यूनिट खरीद सकूं। मतलब समझो, और थोड़ा सा और देखो, एग्जाम्पल लेते, $1 = 63 रुपीज, $1 = 63 रुपीज, इसका मतलब क्या है? 63 रुपीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विथ $1। इसका मतलब क्या है कि 63 रुपीज चाहिए ताकि मैं $1 खरीद सकूं। समझ में आई ये बात? 63 रुपीज चाहिए ताकि मैं $1 खरीद सकूं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कितनी हो गई? $1 = 63 रुपीज, यानी कि 63 यूनिट्स ऑफ रुपीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विथ वन यूनिट ऑफ डॉलर। सिंपल है, बिल्कुल ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट समझ गए? अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और, फॉरेन एक्सचेंज रेट तो हो गया कि दूसरी कंट्री की करेंसी से कैसे एक्सचेंज कर सकता हूं, बट एक टर्म आती है एक मार्क्स में पूछते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल है बिल्कुल, इट रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्री की करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, अदर देन डोमेस्टिक कंट्री, यानी कि हमारे लिए, वी आर द सिटीजंस ऑफ इंडिया, हमारे लिए रुपीज को छोड़ के जितनी भी करेंसी है वो सब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज क्या है? रुपीज को छोड़ दो, बाकी दुनिया में जितनी भी करेंसी है, डॉलर, पाउंड, दिनार, वो क्या है? वो सारी हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। समझ में आया? सिंपल। फॉर द पीपल्स ऑफ इंडिया ऑल द करेंसीज अदर देन रुपीज आर फॉरेन एक्सचेंज। ये है हमारा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है। तो इन इजी टॉपिक्स के बाद अब अपन थोड़ा सा अंदर आते हैं, थोड़ा सा अंदर करेंसी को समझते हैं कि करेंसी कब बढ़ती है, कब करेंसी कम होती है। सो अ नेक्स्ट टॉपिक इज करेंसी डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब जो है वो सबको पता है। डेप्रिसिएशन का मतलब किसी भी चीज में कमी आना, डेप्रिसिएशन का मतलब किसी भी चीज में कमी आना या उसकी वैल्यू कम हो जाना। सो व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारी करेंसी, हम कौन सी पकड़ के चलते हैं? रुपीज पकड़ के चलते। इट रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी रुपीज की वैल्यू कम हो गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। किसकी वजह से या किसकी मतलब में, किसके सामने? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी के हिसाब से हमारी वैल्यू कम हो गई। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज होते लोग, समझो इसको। अब हमारी वैल्यू कम हो गई, समझ रहे हैं इस चीज को?
इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल, हमारी करेंसी क्या हो गई, लेस वैल्यूएबल, अब उसकी वैल्यू कम हो गई. सो मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू परचेज फॉरेन करेंसी, मोर ऑफ इट अब ज्यादा चाहिए ताकि फॉरेन करेंसी खरीद लूं. मतलब ये ओल्ड $1 इक्वल्स टू 62 रुपीज, ये था, अब कितना हो गया $1 इक्वल्स टू 64, पहले था $1 इक्वल्स टू 62, अब हो गया $1 इक्वल्स टू 64. इसका मतलब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई. अब बोलोगे कैसे, रुपीज तो 62 से 64 हो रहे तो कैसे डेप्रिशिएट हुई, समझो इसको बहुत ध्यान से. पहले $1 खरीदने के लिए मुझे कितने रुपीज चाहिए होते थे, 62. अब वही डॉलर खरीदने के लिए मुझे कितने रुपीज चाहिए, 64, यानी ₹2 एक्स्ट्रा चाहिए. क्यों, क्योंकि मेरे रुपीज की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, कम ताकतवर हो गए मेरे रुपीज. समझ में आया कि पहले एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए ₹20 चाहिए थे, वही ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए अब मुझे 25 चाहिए. वो पैकेट तो वही है ना, कमी किस में आई, मेरे रुपीज में, कि मेरे रुपीज क्या हो गए, डेप्रिशिएट हो गए. अब इससे होता क्या है, करेंसी के डेप्रिशिएशन से होता क्या, पहली चीज तो ये देखिए कि हमारी महंगाई बढ़ती है, सीधी सी बात है, $1 के लिए 62 थे, अब उसी डॉलर के लिए 64. बट इससे कहां फर्क पड़ता है, इससे सीधा तुम्हारा फर्क पड़ता है एक्सपोर्ट पर, किस पे, एक्सपोर्ट पे. कैसे एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ता है, समझो इस चीज को. अगर मैं डॉलर वाला हूं, अगर मैं डॉलर वाला हूं, मैं इंडिया में जाता था, $1 दिए, कितने रुपए आ गए, 62 रुपीज आ गए, कर लिया खर्चा. अब सेम वही डॉलर दे रहा हूं मैं, अब मुझे बदले में कितने मिलेंगे, 64, कितने मिलेंगे, 64, ₹2 एक्स्ट्रा मिल गए ना, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे ना, तो मैं ज्यादा खरीदूंगा ना. तो जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई तो क्या हो गया, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए. क्यों बढ़े, क्योंकि अब बाहर के लोग यहां आते, सस्ता सामान खरीद के ले जाते, क्योंकि वही डॉलर एक्सचेंज करने पे 62 की जगह कितने मिल रहे थे, 64 मिल रहे थे, तो अब वो ₹2 का ज्यादा सामान खरीद के ले जाते. समझ में आ गया, दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन. अब करेंसी का एप्रिसिएशन, इसका जस्ट अपोजिट, सिंपल है, देखो, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. एप्रिसिएशन का मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ताकतवर बन रही है. इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी मोर वैल्यूएबल. एप्रिसिएशन से क्या हुआ, हमारी करेंसी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई, हमारी करेंसी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई, एंड हेंस लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड. अब क्या है, कम चाहिए फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर हो गई, हमारी डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा ताकतवर हो गई, इसलिए अब फॉरेन करेंसी बहुत सस्ती मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, $1 इक्वल्स टू कितना था, 62, $1 इक्वल्स टू कितना था, 62, अब हो गया $1 इक्वल्स टू 60, $1 इक्वल्स टू 60, इसका मतलब पहले $1 खरीदने के लिए मुझे 62 रुपीज देने पड़ते थे, अब वही डॉलर खरीदने के लिए मुझे सिर्फ 60 रुपीज ही देने पड़ते हैं, ₹2 का फायदा हो गया, डॉलर तो वो ही है बट अब मेरे रुपीज क्या हो गए, मोर वैल्यूएबल हो गए, ताकि मुझे कम देने पड़ेंगे, अब ₹60 में काम हो जाएगा, 62 नहीं देंगे. क्या फर्क पड़ेगा इससे, सिंपल सा देखो, अब हम जाएंगे दूसरी कंट्री में सामान खरीदने, सो इससे क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, बाहर का सामान अब इंडिया में आएगा. क्यों, क्यों आएगा, क्योंकि अब 62 रुपीज नहीं देने डॉलर के लिए, सिर्फ 60 रुपए दो डॉलर ले लो, सस्ते में मिल रहा ना डॉलर, तो मैं बाहर जाके ज्यादा सामान खरीद के इंडिया में लेके आऊंगा. सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट. सो अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है हमारी करेंसी का तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एप्रिसिएशन हो रहा है तो इंपोर्ट बढ़ेंगे. ये है हमारा करेंसी का डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन.
आता है अपना वो है टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, हमने देख लिया कि करेंसी कब डाउन होती है या करेंसी के डाउन होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या फायदे होते हैं, या कब करेंसी बढ़ती है, ये सब देख लिया। अब करेंसी बढ़ेगी या कम होगी ये कौन बताएगा, ये कैसे पता लगता है, हम कैसे दिमाग लगाते हैं कि करेंसी अब कम होने वाली है बढ़ने वाली है। तो इसके लिए तीन सिस्टम होते हैं, तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, पहले तीनों समझाऊंगा फिर हम बताएंगे कि हमने कौन सा सिलेक्ट करके रखा हुआ। सबसे पहला आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये नाम से पता लग रहा है फिक्स है, यानी कि इसमें एक्सचेंज रेट ज्यादा बढ़ती चढ़ती नहीं है। इसको कौन देखेगा, इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करेगा, गवर्नमेंट, कि एक डॉलर कितने रुपीस के बराबर होगा ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट, सब काम गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिक्स रखेगी कि भाई अगर एक डॉलर इक्वल टू 62 है तो वह 62 से 62.5 या 61.5 इसके बीच में रहेगा हमेशा, गवर्नमेंट इसके ऊपर नीचे नहीं जान देगी कुछ भी करके, ठीक है। तो वो क्या करती है, अपने फॉरेन ट्रेड को स्टेबल करती है। फॉरेन ट्रेड क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि रेट सेम है, एक साल पहले भी उतनी थी एक साल बाद भी उतनी थी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेट क्या है सेम। देखो रेट इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। अब जो रेट सेम है वो कैसे बताऊं कि भाई वन डॉलर इक्वल टू 62 रुपीज, अब पाउंड के हिसाब से कितनी होगी, दिनार के हिसाब से कितनी होगी, सबकी अलग अलग रेट होती है, सबकी चेंज भी होती रहती है। बट गवर्नमेंट क्या करती है, अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एक स्टैंडर्ड रख देती है, एक स्टैंडर्ड रख देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक लकड़ी है, इसको छोटा करना है बिना छुए, इस लकड़ी को छोटा करना है बिना छुए, तो हमने क्या कर दिया, एक बड़ी बना दी। इसके कंपैरिजन में हम इसको देख रहे हैं, इसके कंपैरिजन में हम इसको देखते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी फॉरेन एक्सचेंज रेट को किसी एक स्टैंडर्ड के साथ टांग देती है, किसी एक स्टैंडर्ड के साथ टांग देती है कि अब उसके हिसाब से तुम्हारी फॉरेन एक्सचेंज होगी। दैट स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर करेंसी, किसी एक पर्टिकुलर करेंसी उठा ली फॉर एग्जाम्पल डॉलर। अब मेरी करेंसी की वैल्यू कितनी है डॉलर के हिसाब से चेक कर लो, पता लग जाए, समझ गए, हमने इस लकड़ी को देख के हम इसके बारे में बता देंगे, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर किसी स्टैंडर्ड जैसे गोल्ड सिल्वर या किसी और स्टैंडर्ड के साथ उसको बांध के रखा है करेंसी को, दैट इज नोन एज पैरिटी वैल्यू, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब कि गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ टाइप कर रखा है कि हमारी करेंसी की वैल्यू उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, गोल्ड की गोल्ड पर डिपेंड करेगी कि हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी है, गोल्ड के प्राइस को देख के हम बता दें, ठीक है। अगर गोल्ड सिल्वर या किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर रख रखा है तो उसको हम बोलेंगे पैरिटी वैल्यू, और अगर गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी किसी और करेंसी के साथ बांध रखी है, जैसे रुपीज को हमने बांध दिया डॉलर के साथ कि डॉलर और रुपीज का जो रेशो है इसके हिसाब से करेंसी चलेगी और किसी के भी रेशो के हिसाब से करेंसी नहीं चलेगी, तो दैट इज नोन एज पेगिंग, दैट इज नोन एज पेगिंग। सो व्हाट इज पेगिंग, कि अपनी डोमेस्टिक करेंसी को किसी एक करेंसी के साथ बांध देना, उसकी वैल्यू उसके हिसाब से डिफाइन करना, दैट इज नोन एज पैगिंग। तो इस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम पैगिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं, समझ में आ गया। सो व्हाट इज फर्स्ट सिस्टम, इट इज अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिफाइन करती है, कम है ज्यादा है ये सब गवर्नमेंट देती है, ठीक है। सेकेंड देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब ही पता ही है, फ्लेक्सिबल है थोड़ी इधर उधर होती रहेगी। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सिस्टम गवर्नमेंट कहीं भी नहीं आएगी, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, रेट बढ़ेगी या कम होगी ये कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्स, कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। कैसे डिसाइड करेगी डिमांड सप्लाई, सिंपल है, जिस चीज की ज्यादा डिमांड है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा है, जिस चीज की कम डिमांड है उसकी वैल्यू उतनी कम, सिंपल है यार, ठीक है। सप्लाई के हिसाब से जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है
उसकी वैल्यू कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी, पानी बहुत है इसलिए पानी कोई कदर नहीं करता, सप्लाई ज्यादा है इसलिए वैल्यू क्या है कम। डायमंड, डायमंड बहुत कम है इसलिए उसकी वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा है। सो अगर सप्लाई कम होगी तो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में अपनी करेंसी क्या होती है चेंज होती रहती है, ठीक है। इसको हम एक और चीज बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग का मतलब तैरता रहता है, हो सकता है अभी $1 इक्वल टू 62 है, कल $1 इक्वल टू 61 हो जाए, 60 हो जाए, 58 हो जाए, कितना भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो थर्ड, मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम सिंपल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1+2, यानी मार्केट फोर्स भी है और साथ में गवर्नमेंट भी है, पर गवर्नमेंट की जगह कौन देखेगा आप, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। अब कैसे काम करती है वो समझो, पहले तो मार्केट फोर्स काम करेगा, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चल रहे, ठीक है, चल ले दो $1 इक्वल टू 62 है, चल ले दो $1 इक्वल टू 61 हो गया, चल ले दो $1 इक्वल टू 60 हो गया या 68 हो गया। अब सरकार को लग गया कि अब हालत खराब हो रही है, डिमांड सप्लाई पे कुछ नहीं करना, तो कौन आ जाएगा बीच में, सेंट्रल बैंक आ जाएगी यहां कि हाँ भाई हम आ गए, हम अभी जिंदा है, और ये क्या करेगी थोड़े बहुत पैसे निकाल निकूल के इस रेट को वापस से बराबर ले गए, ठीक है। तो यानी कि पहले मार्केट फोर्सेस चल रहे हैं, उसके बाद अगर ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो सेंट्रल बैंक बीच में आ जाएगी और उसको नीचे कर देगी। कैसे नीचे कर देगी, सेंट्रल बैंक के पास सारी करेंसी अवेलेबल है, अगर नहीं पता तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन में मैंने समझाया हुआ है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो सारे फॉरेन एक्सचेंज रखती है, तो जब भी करेंसी की वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट होती है तो ये बीच में आ जाती है। इसको हम एक और नाम बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग का नाम लिया सबके दिमाग चलने लग गए। सो इस डर्टी फ्लोटिंग का मतलब कि पहले मार्केट फोर्स करेगा उसके बाद सेंट्रल बैंक काम करेगा। तो ये है हमारे टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इंडिया का कौन सा है, हम भारतवासी हैं, हम सेंट्रल बैंक के साथ काम करेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक नोट छापता है तो हम ये वाला यूज करते हैं कि पहले डिमांड सप्लाई करने दो, ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आरबीआई पॉलिसी निकाल देगी, घर के ब्याज लोन में ब्याज बढ़ गया, ठीक है, होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गई या कार लोन की इंटरेस्ट रेट कम हो गई, ऐसा कुछ सेंट्रल बैंक निकाल देगी, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर उठाया, उसके बेसिक टर्म देखी और उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़े। एट लास्ट ये गाइस ये क्या है, ये मोस्टली सबको पता है, नहीं पता तो सुन लो, ये क्या है, ये मेरी बुक है, दिस इज फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो अवेलेबल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मेरी खुद की बुक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगाए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को मिला के मैंने ये बुक बनाई। सो गाइस हूएवर इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस बुक, जिसको भी ये बुक खरीदनी हो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7690041256, आई रिपीट 7690041256, विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन इट उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मैक्रो और माइक्रो दोनों खरीद सकते हो। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन इट, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और देखते रहो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स।